Hello student, today we see the advantage and disadvantage applications of Routes criteria. Okay, so see the first, that is the advantage of Routes criteria. The first it is, Routes array is a simple method to determine stability of any control system without actually solving characteristic equation of the system. Means क्या है, Routes criteria के ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, stability find out कर सकते हैं, determine कर सकते हैं control system की without solving characteristic equation of the system. Okay. Second है, variable gain of the system or range of k can be determined for stability. Means हम जो value है k की वो find out कर सकते हैं स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए. ओके, थर्ड है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विथ पॉजिटिव रियल पार्ट कैन बी गिवन बाय दिस मेथड फॉर अनस्टेबल सिस्टम. क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं, हम लोग जो भी पॉजिटिव रियल पार्ट है वहाँ पे गिवन जो है मिलेंगे. मींस ये जो मेथड है, ये जो राउट्स क्राइटेरिया है, इसके ऊपर से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स निकाल सकते हैं जो कि अनस्टेबल सिस्टम मेथड्स के लिए आपको लगते हैं. ओके, फोर्थ है, रिलेटिव स्टेबिलिटी मार्जिनली स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड. फिफ्थ है, नो टाइम वेस्टेज इन सॉल्विंग हाई ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स लाइक हर्विट्स मेथड. मीन्स यहाँ पे जो है आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा. अगर एक आधी हाई ऑर्डर क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, तो जल्द से जल्द वो सॉल्व हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आपको रूट्स मिल जाएंगे. इसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. ओके, so see the next, that is disadvantage of Routes array. First, stability can be determined only of linear system. Stability हम लोग किसकी निकाल सकते हैं, सिर्फ linear system की निकाल सकते हैं. Second, provides only information about the stability and not the solution to स्टेबिलाइज द सिस्टम. मीन्स इस पर से हमको सिर्फ क्या पता चलता है, स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन पता चलती है, लेकिन उसका आपको सिस्टम को स्टेबिलाइज कैसे करना पड़ेगा वो आप लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते. ओके, थर्ड है, डज नॉट रिफ्लेक्ट लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स. मीन्स जो भी क्लोज लूप के पोल्स होते हैं उसकी जो लोकेशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है. फोर्थ, इट कैन नॉट गिव डिटेल्स ऑफ रूट्स. दैट मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन जो है रूट्स की, इस पर से हमको नहीं पता चलती है Routes array से. ओके, सो ये दीज आर द फोर डिसएडवांटेज ऑफ Routes array. देन सी द नेक्स्ट, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ Routes array. सो सी द एप्लीकेशन. फर्स्ट पॉइंट, this method is used to analyze relative stability of the system. okay, ye method hum log kis liye use karte hain, relative stability of the system ko analyze karne ke liye. second, Routes array is used to select proper value of k which is unknown may occur in a characteristic equation. Routes array kya kar sakta hai, kiske liye use hota hai, वो क्या करता है, प्रॉपर वैल्यू ऑफ के को सिलेक्ट कर सकता है जो कि अननोन होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में. थर्ड है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर अ सिंगल वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल एंड लूप सिस्टम. ये जो मेथड है हम लोग किसके किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टी वेरिएबल के लिए और लूप सिस्टम के लिए ये मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द डिटेल्स लेक्चर ऑन एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ
हमारा उत्सर है. ओके सो थैंक यू.